अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हमारी इस यूनिवर्सिटी में जो हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो साफ साफ इसकी फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश है। आज एक बार फिर से कुछ मीडिया वाले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर बहस करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट उनसे बात करते हैं और जब उनमें से कुछ स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि आप यहाँ किसकी परमिशन से आए हैं, क्योंकि ना उनके पास तो पीआरओ की परमिशन थी, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरफ से उन्हें परमिशन मिलती यूनिवर्सिटी में आने की। जब स्टूडेंट उनसे पूछता कि आप किसकी इजाज़त से आए हैं, तो वो लोग छूटते ही ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं, हमें ये बताने वाले कि हम किसकी इजाज़त से आए और किसकी से ना आए। पहले आपको ये बताना होगा कि आप इस देश में क्यों रह रहे हैं। दोस्तों, मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद कुछ लोग अपने ज़्याती मफाद की खातिर, जिन्हें 2019 का इलेक्शन के लिए टिकट चाहिए, सिर्फ इस वजह से वो रजिस्ट्रार ऑफिस पर आते हैं, वहाँ पर बदतमीज़ी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, बदसलूकी करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और वहाँ फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर इन सबके बीचों बीच कुछ स्टूडेंट्स को चोट भी आती है। इसके बावजूद जब वहाँ पर और लोग पहुँचते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाता है, उनके साथ भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की जाती है। इंजरीज हुई, मिसबिहेवियर हुआ, इस सब के बावजूद जिस हालातों में हम अब हैं, उसमें कोशिश हमें ये करनी है कि कोई भी हो वो हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर हमें बांट नहीं सकता है, हमें लड़ा नहीं सकता है। वो लोग अपने ज़ाती मफाद की खातिर इस यूनिवर्सिटी को फिर से हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम की हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की सही इमेज और असल इमेज हमें और आपको सभी को पता है कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो किन किन चीज़ों को अंजाम देते हैं, जो अपने इस इदारे के लिए जान तक लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि अगर हम ऐसे मुद्दों पर अपने इदारे के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर लानत है हमारे अपने आप को इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहने के लिए, लानत है हमें यहाँ के अंदर तालीम हासिल करने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारी ज़रूरत इस यूनिवर्सिटी को है, आप सबकी ज़रूरत इस यूनिवर्सिटी को है। कमरों से बाहर आइए, क्योंकि जिस खौफ का माहौल ये लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस खौफ का हर एक जवाब इस यूनिवर्सिटी के हर एक तालिबे इल्म के अंदर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा ताकत हमारी यूं ही बुलंद रहेगी और हम हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हमें हमारे हुकूक हमेशा मिलते रहेंगे और कोई इस यूनिवर्सिटी की तरफ बुरी नज़र नहीं डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।